ओलंपिक में मेडल जीता है 40 इयर्स के बाद जी, और वो अरशद नदीम था, उसने जेवलिन थ्रो की थी यू कर, इतनी दूर गिरी कि आज तक किसी ने ओलंपिक में इतनी लंबी तोड़ी है 92 मीटर से भी ज्यादा, समझ आई। ये पाकिस्तान को मेडल मिला है उसमें ओलंपिक में गोल्ड मेडल आफ्टर 40 इयर्स। पहली दफा तो नहीं मिला, लेकिन 1960 से 1992 तक तो बहुत मिले मेडल्स, गोल्ड भी मिला है, सिल्वर भी मिला है, ब्रॉन्ज भी मिला है, लेकिन ये तो अरशद नदीम वाला मेडल है ये किसी को भी नहीं मालूम है, जो लोग हमें देख रहे हैं इंडिविजुअल अकेले में किसी भी गेम में पाकिस्तान का पहला मेडल है। नहीं अरे भाई क्या हो गया यार, 1960 से हो रहे मेडल, ओलंपिक गेम में पाकिस्तान को मिल रहे मेडल, कैसे देखेंगे बाकी पापा? पापा ने विजुअल्स देखे हैं बहुत सारे, पापा ने ये जो था ना ये वाला गोल्ड मेडल, ये पापा का फर्स्ट गोल्ड मेडल देखा था वहाँ, क्योंकि जब 1984 में लॉस एंजेलिस ओलंपिक में पाकिस्तान को मेडल मिला, पापा जब तब मिलते पापा के पास अपने पापा देख ही नहीं पाए। बाबा ने 1988 में ओलंपिक देखे, उसने फ्रेंचाइज बॉक्सर उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला, 1992 में पाकिस्तान को ऑक्सीजन मेडल मिला, ये हुआ। तो पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम बाबा ने जो मेडल देखने में देखा वो ये वाला अरशद नदीम का, और पता है उसके बाद जब मेडल मिला तो वहाँ पे क्या बज रहा था, पाकिस्तान का सबसे फेवरेट नेशनल एंथम कौन सा? अरे ऐसी नामी रही सरजमीन चादबा, जब उसको मेडल पहनाया गया तो सबने एक साथ कहा पाकिस्तान जिंदाबाद।